हे गाइस, मैं आरती आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी टेस्टी स्मूदी की रेसिपी, जिसे आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, वेट लॉस डाइट में ले सकते हैं। कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। इसमें ना मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही मैं दूध का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रेसिपी में जो कैलोरीज है वो 226 है। आपको प्रोटीन इसमें 7.2 ग्राम मिल रहा है, फाइबर आपको इसमें करीब 7 ग्राम के आसपास मिल रहा है। बाकी पर इंग्रेडिएंट कितनी कैलोरी है उसके लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक कीजिएगा। तो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्टी हेल्दी स्मूदी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ये मूंगफली का। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और प्रोटीन इसमें बहुत ही अच्छा पाया जाता है। अगेन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर किसी को पीनट से एलर्जी है, बहुत सारे लोग थायराइड में नहीं लेते हैं, तो आप यहाँ पे पीनट स्किप कर सकते हैं और पीनट के बाद का जो स्टेप है आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीनट को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, लो टू मीडियम हीट पर आप इसको रोस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे ये रेसिपी मैं जो शेयर कर रही हूँ ये सिंगल सर्विंग है, एक लोगों के लिए ये मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पीनट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओट्स। तो मैं यहाँ पे 20 ग्राम ये इंस्टेंट ओट्स ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको ग्लूटेन फ्री बनाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल करें, उससे आपकी ये स्मूदी ग्लूटेन फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर ओट्स को मैंने करीब 1.5-2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट किया है मीडियम हीट पर। गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी। तो यहाँ पे ओट्स को भूनने से और पानी में सोक करने से क्या होता है कि जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होती। तो इसमें सिर्फ आधा कप पानी हम ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे करीब 5-10 मिनट के लिए। जब तक हम आगे की तैयारी कर रहे हैं तब तक हम इसको इसी तरीके से फूलने देंगे। अब यहाँ पे लेना है एक हमें ब्लेंडिंग जार और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 4 ये भीगे हुए बादाम हैं जिन्हें मैंने रात भर भिगोया था। यहाँ पे सिंगल सर्विंग में शेयर कर रही हूँ तो आप क्वांटिटी का ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक तरह से आलमंड मिल्क बन जाएगा, जिससे कि हमारी स्मूदी का टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लो फैट मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बादाम को ब्लेंड कर लिया। अब ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ये अभी आपको मिल्क की तरह दिख रहा होगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ओट्स और मूंगफली को भिगो के रखा है उसको। तो ये देखिए यहाँ पे ओट्स और मूंगफली ने जो हमने पानी डाला था पूरा अच्छे से सोक कर लिया है, ये अच्छे से फूल गए हैं। इस तरीके से हमारी ये स्मूदी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और स्मूदी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसको इस तरीके से सोक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ओट्स और पीनट्स को रोस्ट करके रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो पीनट बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरीके से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसी तरीके से ये पीनट्स को इसमें ऐड कीजिएगा रोस्ट करके। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम एप्पल है और 50 ग्राम मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बीट रूट। अगर आप बीट रूट लेना पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर अनार ले सकते हैं 50 ग्राम साथ में। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, मैं एक छोटा चम्मच हनी ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप पानी और इन सबको अब हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एकदम स्मूथ प्यूरी की तरह। तो आइए चेक करते हैं हमारी स्मूदी कैसी बनी है। तो ये देखिए कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही हेल्दी हमारी ये वेट लॉस स्मूदी बनकर तैयार है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं और आप इसको अपनी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसमें 226 कैलोरीज हैं और 7 ग्राम इसमें करीब आपको प्रोटीन, 7 ग्राम के आसपास आपको इसमें फाइबर मिल रहा है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक, अपने कॉमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को ऐसी और रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।